आठ सी एक्सरसाइज, आठ सी ये ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसमें आपको डायरेक्शन देखिए देख लिया दिया गया है, चूज द राइट आंसर इन ऑर्डर टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। सही आंसर को चूज माने चुनो, इन ऑर्डर टू मेक बनाने के लिए सिंपल सेंटेंस माने सरल वाक्य, सरल वाक्य बनाने के लिए सही ऑप्शन को चुनो। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, दो वाक्य सिंपल दे दिया गया, उन जो दोनों को जोड़कर एक सिंपल बनाना है। तो पहले हम वाक्य देखेंगे कौन सा वाक्य है दो, और उसका क्या क्या आंसर दिया है, जो हमको सही रहेगा वही आपको 100% सही रहेगा, उसी को करना पड़ेगा। तो इसके रूल्स हम आपको पढ़ा चुके हैं पूरा नाउन क्लास के, सॉरी नाउन क्लास कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सिंपल सेंटेंस पूरा सिंथेसिस पढ़ा चुके हैं, ठीक। तो इसका आज आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। पहले देखिए, ही फ्लड वह भाग गया, ही हैड सीन ए बियर कमिंग, वह एक भालू को आता हुआ देखा, वह भाग गया वह भालू को आता हुआ देखा। तो हिंदी में जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, भालू को आता हुआ देखने पर वह भाग गया। पहले हिंदी में कहना सीखो, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं हो कि सीधे सीधे अंग्रेजी में आ जाएगा, हिंदी में कहना आ जाएगा तो अंग्रेजी आपको आ जाना चाहिए। हिंदी में जोड़ोगे तो भालू को आता हुआ देखने पर वह भाग गया, ऐसे जोड़ोगे। अब देखिए इसका वाक्य क्या दिया गया, अगर बाय चांस आप अर्थ निकालना नहीं भी जान रहे हो, हिंदी में नहीं भी कहना जान रहे हो, तब भी मैं बता दे रहा हूँ, क्यों इंग्लिश में ही डायरेक्ट आप बाय चांस कैसे समझोगे। पहला वाक्य आपका, ही फ्लेड बिकॉज ही हैड सीन ए बियर कमिंग, वह भाग गया क्योंकि वह एक भालू को आता हुआ देख लिया था। अब देखिए पहला तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस कहा है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब केवल एक होनी चाहिए, कंजक्शन बिकॉज उकाज आता नहीं है। तो इसलिए इसमें बिकॉज से दो सब्जेक्ट ही और ही जोड़ा गया है, दो मेन वर्ब है, तो ये कभी हो नहीं सकता है। तो पहला काट दीजिए ऑप्शन, पेपर हल करने का तरीका जानो, ऐसे ही आपको हल करना है। अगर सही नहीं आ रहा है आप ये सोचिए कौन नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वही हटा दो, जो बचेगा वही हो जाएगा, ठीक। अगर आप पढ़े हो तो इतना कर सकते हो, बाय चांस तीनों नहीं हटा पा रहे, दो हटा दोगे तब भी आपका 50-50% सही होने का चांस होगा, एक कन्फर्म एक नहीं हो सकता उसको ही हटा दो, अगले में से चांस होगा। तो ऑब्जेक्टिव किस तरह से हल किया जाता है, पहला नहीं हो सकता, दूसरा क्या, एज सून एज, ये कंजक्शन है, सीधी सी बात है सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन भी नहीं, ये भी नहीं लगता है। तो आप आगे बढ़िए, यानी कि तीसरा वाक्य आपका, आफ्टर सीइंग ए बियर कमिंग ही फ्लेड, भालू को आता हुआ देखने के बाद वह भाग गया। तो ये भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन 100% सही नहीं लग रहा है, इससे भी अधिक अच्छा आंसर हम ऑप्शन हो सकता है, एक बचा है तो उसको भी देख लें, वो हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस की पास मतलब कि एलिजिबिलिटी तो पूरा कर रहा है। आफ्टर सीइंग ये प्रीपोजिशन है, वो जीरंड है, जीरंड पहले प्रीपोजिशन आ सकता है, ए बी ईयर सब्जेक्ट है आ सकता है, लेकिन ठीक है कमिंग माने आता हो, ये भी पार्टिसिपल भी आ सकता है, सब्जेक्ट पर भागे दिया, तो मतलब पहला सिंपल सेंटेंस की संभावना को पूरा कर रहा है, एलिजिबिलिटी को रख रहा है, लेकिन अर्थ भी देख लेंगे अगले का भी एक बचा है, क्योंकि वो उतना सही सेंस नहीं दे रहा, क्योंकि एक भालू को आता हुआ देखने के बाद वह भाग गया, ऐसा कुछ नहीं, भालू और शेर को कोई देखेगा ना तो देखते भागना शुरू कर देगा, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ देखने के बाद बता रहे हैं, आफ्टर लगा के लफड़ा कर दिए हैं, ठीक। तो इसलिए बाद में नहीं भागेगा, देखते ही भाग जाएगा, इसलिए एक कुछ कम सही लग रहा है। एक और ऑप्शन हमारे पास है, उसको भी पढ़ ले रहे हैं, आन सीइंग ए बियर कमिंग माने एक भालू को आता हुआ देखने पर ही फ्लड हुआ भाग गया, ये 100% सही है, क्योंकि भालू को आता हुआ देखने पर ही आदमी क्या करेगा, भाग जाए कि भाई आ रहा है भाग जाओ, भालू है या शेर है तो आदमी डर जाएगा कहीं हमारी तरफ आके अटैक ना कर दे। तो इसलिए आन वाला 100% सही है, आन बता रहा है कि काम कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू आ रहा है, ये भी अपना भाग गए, तो देखने के बाद नहीं भागे कि हाँ आ जाए देख लें हमको जो है अटैक करेगा कि नहीं तब हम भागें, ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए 100% सही आंसर आपका डी है, ठीक। इस तरह से आपको समझना चाहिए, जब दो ऑप्शन एक जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो तो उसको तर्क वितर्क करके समझ सकना चाहिए कि कौन सा बेटर है, तो डी है, इसलिए आपको हम पूरा बता दे रहे हैं। आपको एक्सीलेंट का कहीं आंसर की भी नहीं मिलता है, गाइड में भी देखोगे गाइड में भी वही दिया, किताब में भी वही दिया, इसलिए हम एक्सीलेंट का ग्रामर पढ़ा रहे हैं ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए, ठीक। और परीक्षा में ज़्यादा इसी बुक से आते हैं ग्रामर, कंपटीशन लेवल तक आते हैं, ये सबसे बेस्ट बुक है यूपी बोर्ड के लिए। चलिए देखिए आगे, दूसरा है ए लायन वाज हंग्री, देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया है, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। आगे आपको बोर्ड परीक्षा की एक्सरसाइज हम कराएंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन दिए हैं, दोनों दिए, ठीक।
इसलिए यहाँ आपको तर्क वितर्क करके समझा रहे हैं, वहाँ भी दिए हैं, नहीं तो आप वहाँ चाहे जिस तरीके से बना दोगे तो गलत कर दोगे। ए लायन वाज हंग्री, एक शेर भूखा था, ही किल्ड ए हॉर्स वाज एक घोड़ा मार दिया, द हॉर्स वाज ब्लैक, घोड़ा कैसा था, काला था। ठीक, तो अब इसको चार ऑप्शन दिए गए हैं, कैसे जोड़ोगे, देखिए, एक शेर भूखा था, वह एक घोड़े को मार दिया, घोड़ा काला था, तो आप इसको सिंपली ऐसे कहोगे, एक भूखे शेर ने काले घोड़े को मार दिया, तीनों वाक्य का सिंपल में थोड़े में कहना है। ठीक, तो अब देखते हैं इसके लिए ऑप्शन क्या है, आन बींग हंग्री ए लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स, भूखा होने पर एक शेर ने काले घोड़े को मार दिया। फिलहाल सिंपल सेंटेंस की एलिजिबिलिटी अभी रख रहा है, लेकिन बस अर्थ तो नहीं है ना, और भी देख ले रहे हैं, ए लायन हु आज हंग्री, हु आज तो हो ही नहीं सकता, कंजक्शन लगता है नहीं सिंपल में, ए हंग्री लायन किल्ड ए ब्लैक हॉर्स, ये बेटर आंसर मिल रहा है, एक भूखा शेर काले घोड़े को क्या किया, मार दिया, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन और भी देख रहे हैं क्यों नहीं हो सकता, एलिमिनेट करके 100% कन्फर्म करेंगे, ए हंग्री लायन किल्ड ए हॉर्स व्हिच वाज, व्हिच के नाते ये भी नहीं हो सकता, इससे जोड़ा गया, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मतलब कि दूसरा बी और डी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको हटा ही देना है, अब पहले और सी में से एक हमको 100% कन्फर्म कर लेना, क्योंकि पहला भी सिंपल सेंटेंस की एलिजिबिलिटी रख रहा है कि भाई सब्जेक्ट और मेन वर्ब एक है, पार्टिसिपल है, प्रीपोजिशन जीरंड है, उसके पहले प्रीपोजिशन भी आ सकता है। ठीक, तो इसलिए अब हम क्या देखेंगे, एक शेर भूखा था, बस घोड़े को मारा, घोड़ा काला था, तो एक शेर भूखा था तो आराम से हंग्री आपका एडजेक्टिव है, नाउन स्पेल लग सकते, एक भूखा शेर इसको शॉर्टन कर सकते, एक भूखा शेर आपको सी वाले मिल रहा, उसके बाद किल्ड देखे है, किल्ड माने मार दिया, किसके मार दिया, एक काला घोड़ा, अब दूसरे में देखिए, वह घोड़े को मारा, घोड़ा काला था, तो घोड़ा काला था तो काला घोड़ा आराम से हम कह सकते हैं। ठीक, तो काले को हम घोड़े से पहले कर देंगे और भूखे को शेर से पहले कर, दोनों जब एडजेक्टिव मिल जाए तो हमको पार्टिसिपल से और जीरंड से नहीं बनाना है, बेस्ट आंसर है एडजेक्टिव वाला होगा, क्योंकि उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो विशेषता बतलाने वाले को नाउन से पहले रखना ही चाहिए, और पहले वाले में हंग्री से पहले नहीं रखा गया, मतलब कि लायन को से पहले हंग्री को नहीं रखा गया, इसलिए पहला वाला कम सही आंसर है, 100% सही आंसर नहीं है, क्योंकि उससे बेटर आंसर हमारे पास है सी, इसलिए हम उसको नहीं लगा सकते हैं। क्लियर, तो आप सी इसको मान लेंगे सही, 100% सही, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा तक आए हैं, क्योंकि अब इस वर्ष क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन आपके कम से कम लिखित आएंगे, उनका वाक्य में प्रयोग करना है, तो इसीलिए आपको दोनों की प्रैक्टिस करना जरूरी है, नए नए वाक्य आपको ऑब्जेक्टिव टाइप नई किताब में दी है, तो उसको प्रैक्टिस करिए, बस उसके बाद बोर्ड वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा, बाकी आपके पास समय है तो और भी डिटेलिंग पढ़ सकते हो आप। ठीक, बाकी समय रहेगा तो आगे हम और भी जो छूट रहा है, कम इम्पोर्टेंट है, उसको भी करवा देंगे, क्योंकि अभी समय के हिसाब से चलेंगे, बोर्ड परीक्षा नज़दीक है, तो पहले जहाँ जहाँ से पेपर में आता है मैं वही कवर करूँगा। ठीक, रूल्स पढ़ा के उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। चलिए देखिए, जिससे कि आप लोगों का अच्छा नंबर आए, हमारा पूरा प्रयास यही रहे, द वीदर वाज स्टार्मी, मौसम क्या था, तूफानी था। तीसरा वाक्य है द प्लेन गॉट लेट, जहाज लेट पहुंची, मौसम तूफानी था, जहाज क्या लेट पहुंचे, तो हम इसको क्या कहेंगे, जोड़ोगे अगर तो आराम से आप यही कहेंगे, मौसम तूफानी होने के नाते जहाज लेट पहुंची, हिंदी में हम यही जोड़ रहे हैं, उसी की अंग्रेजी भी रहेगा फिलहाल, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन हम इलिमिनेट करते हुए बता रहे हैं ताकि समझ में और अच्छे से आ जाए। तो देखिए, पहला द वीदर वाज स्टार्मी सो द प्लेन, सो से तो जोड़ा नहीं जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, काट दीजिए ऑप्शन। ठीक, द प्लेन गॉट लेट इन द स्टार्मी वीदर, जहाज तूफानी मौसम में देर से पहुंचा। ठीक है, तो ये तो कुछ सही लग रहा है। ठीक, लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शन है, उसको भी देखेंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एक होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस में है, हाँ लग रहा है, लेकिन और भी हम देखेंगे, द वीदर बींग स्टार्मी द प्लेन गॉट लेट, ये बेटर आंसर ये भी है। ठीक, तो चौथा भी हम पढ़ ले रहे हैं पहले, क्योंकि जो एकदम नहीं है कन्फर्म उसको पहले हटा दें, तब दो में हम तर्क वितर्क करके आप सही ऑप्शन पर पहुंचेंगे। चौथा, एज द वीदर वाज स्टार्मी द प्लेन गॉट, एज से कंजक्शन है और दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, जिसका मतलब ये कंजक्शन है एज, तो ये 100% नहीं हो सकता। कौन कौन नहीं हो सकता, पहला और डी वाला नहीं हो सकता, दो में से एक हो सकता, कौन अब बेटर है उसको जानो। द प्लेन गॉट लेट इन द स्टार्मी वीदर, जहाज तूफानी मौसम में देर से पहुंचा। तीसरा है द वीदर वाज स्टार्मी, द वीदर बींग स्टार्मी,
मौसम तूफानी होने के नाते जहाज लेट से पहुंचा है। तो हमारे पास सी वाला बेटर आंसर है, बी वाला नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, कारण भी जान लीजिए। इसमें क्या है कि आपको पढ़े हैं तो आपको सिंपल सेंटेंस में बताया गया द वीदर एक सब्जेक्ट है पहला वाक्य, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट द प्लेन है। जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो हम उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं, ठीक। तो इसीलिए अब दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को हम कॉमन नहीं ले सकते, ठीक, कॉमन नहीं लेते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं। और उसमें हम जो है क्या किया जाता है, दोनों सब्जेक्ट को हम लिखते हैं स्वतंत्रकर्ता होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट माने स्वतंत्रकर्ता, कर्ता दोनों लिखेंगे। केवल क्या है, जो काम पहले होगा उसी की वर्ब को हम क्या करेंगे, बदल देंगे, बदल देंगे। उसमें बदलने का नियम ये है, अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, पैसिव में है तो हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, इज एम आर वाज वर, ये पांच क्रियाएं आपको बताया गया जिसको टू बी क्रिया कहते हैं। इज एम आर वाज वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में ना दिया हो, ये आपके एक्सीलेंट में रूल दिया है, सहायक क्रिया के रूप में ना दिया हो तो इनको हम बींग में बदल देते हैं। किसमें, बींग। कैसे जानोगे सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, अगर इनके साथ अलग से इज एम आर वाज वर के साथ कोई मतलब कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म रहेगा तो जान लीजिए मेन ये सहायक क्रिया मानी जाएंगे, ठीक, क्योंकि थर्ड फॉर्म रहेगा इनके साथ इज एम आर वाज वर के साथ तो इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस माना जाएगा, आईएनजी रहेगी तो एक्टिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसा कुछ देख ही रहे हैं इसमें है नहीं। द वीदर वाज स्टार्मी, स्टार्मी आपका मौसम तूफानी था, तो तूफानी मौसम होता है तो तूफानी शब्द क्या एडजेक्टिव है ना कि कोई वर्ब है, ठीक। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला द वीदर लिख देंगे, वाज की जगह हम क्या करेंगे केवल बींग कर देंगे। उसके बाद स्टार्मी के बाद हम कामा लगा के अगला वाक्य को ज्यों कहते हैं जोड़ देते हैं, द प्लेन मिट्टी छोटे से कर देते हैं। उसी नियम से जो है ये सी वाला एकदम 100% सही, इसका रूल आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में मिल जाएगा आपके एक्सीलेंट में। समझ में आ गया क्यों तीसरा वाला सही है, यही सही, आपको यही सही आंसर है, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, कहोगे भाई सब्जेक्ट पर ब्रेक होना चाहिए तो दूसरा सही है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए सी वाला सही आपका 100% है। चौथा देख लेते हैं, ही हैज फोर चिल्ड्रेन, उसके पास चार बच्चे हैं, ही हैज टू सपोर्ट देम, उन्हें उनका सपोर्ट करना है, मदद करना है, सहारा देना, समर्थन करना, ठीक, मतलब खिलाना पिलाना वही सब बच्चों का सपोर्ट करना है, ठीक, ताकि वो आगे बढ़ पाए पढ़ लिख के। उसके पास चार बच्चे हैं उन्हें उनका सपोर्ट करना, तो हम जोड़ के कहेंगे, कैसे कहेंगे, उसके पास सपोर्ट करने के लिए चार बच्चे हैं, ठीक, या उसे चार बच्चों का सपोर्ट करना है, ठीक। तो अब देखिए सीधी बात है, ना नहीं आ रहा था, इन्फिनिटिव से बनेगा। अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, देख ले रहे हैं सभी ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं, हैविंग फोर चिल्ड्रेन ही हैज सपोर्ट, ये गलत है, क्योंकि हैविंग तब लगता है जब एक काम पूरी तरह समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा, यहाँ कोई काम हम तो किया नहीं जा रहा, उसको करने में समय लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। ही हैज फोर चिल्ड्रेन टू सपोर्ट, ये बिल्कुल हो सकता है, उसके पास चार बच्चे हैं, टू सपोर्ट, इन्फिनिटिव बना दिया गया, ये सही लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन हम पढ़ ले रहे हैं। ही हैज फोर चिल्ड्रेन होम, होम तो लग ही नहीं सकता कंजक्शन, ये भी नहीं हो सकता। ही हैज टू सपोर्ट हिज फोर चिल्ड्रेन, उसे अपने ही हैज टू सपोर्ट, उसे सपोर्ट करना है हिज फोर चिल्ड्रेन, अपने चार बच्चों का, ठीक। तो इसमें आपका बेटर आंसर बी वाला है, ठीक, बी वाला है। क्या कैसे है तो उसका देखिए इन्फिनिटिव, क्योंकि आप बी और डी में कन्फ्यूज होंगे, आप दोनों सही लग रहा है ना, लेकिन बी वाला 100% सही है। कैसे, देखिए इन्फिनिटिव का रूल क्या आपको दिया गया था किताब में, कि जो से दो वाक्य में से एक वाक्य में इच्छा या उद्देश्य प्रकट होगा, तो इच्छा या उद्देश्य प्रकट करने वाले वाक्य की वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, अगले वाक्य को हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक। तो अब देखिए पहला वाक्य क्या, ही हैज फोर चिल्ड्रेन, ये वाक्य में हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरे वाक्य में क्या, टू सपोर्ट, सपोर्ट करना उसका जो है उद्देश्य है, जिसके बच्चे हैं तो उसी को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। तो इसीलिए उस हिसाब से देखिए दिया गया बी वाला, ही हैज फोर चिल्ड्रेन टू सपोर्ट, क्लियर, उसके पास सपोर्ट करने के लिए फोर बच्चे हैं, समझ गए ना, ये बी वाला आपका सही ऑप्शन है। अगला पांचवा, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, वह अपना गृह कार्य पूरा किया, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सीधी सी बात, वह अपना गृह कार्य पूरा किया, वह खेलने चला गया, तो हम इसको ऐसे कहेंगे, अपना गृह कार्य पूरा करके वह खेलने चला गया। जब एक कार्य को करने में काफ़ी समय लगता है और पूरा फिनिश होने के बाद ही दूसरा काम किया जाए, ठीक, पर्याप्त समय भी लगे, कुछ समय जरूर लगे, तब दूसरा काम किया जाए पूरा करने के बाद, तो हम पहले को परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक ना, फिनिशिंग माने पूरा कर, करके ना, कर या करते हुए, इससे किस, ये हास्यप्रद हो जाएगा। कैसे,
फिनिशिंग इज होमवर्क का अर्थ होगा अपना काम पूरा करता हुआ ही वेंट टू प्ले, हुआ खेलने गया, मतलब कम वो कर रहे हैं खेल भी रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा ही फिनिश्ड हिज वर्क टू गो टू प्ले, ये भी नहीं, वह खेलने के लिए जाने के लिए अपना काम पूरा किया, ये भी नहीं है, हो नहीं सकता ये भी। तीसरा है हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क अपना गृह कार्य पूरा करके ही वेंट टू प्ले, ये बिल्कुल सही लग रहा है, अपना काम पूरा करके हैविंग सा थर्ड फॉर्म उसके बाद ही दूसरा काम करेगा, तो परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट किया है ना, तो ये सी वाला आपका सही है। और उसके अलावा डी वाला है ही वेंट टू प्ले टू फिनिश हिज होमवर्क, ये भी गलत है, वह अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए खेलने गया, इसका अर्थ निकल रहा है, ये भी सत्यानाश कर दिए हैं। 100% आपका सी वाला सही है, तो आई होप समझ में आ गया होगा पूरा ना। चलिए फिर आपको आगे जो है कल की क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा, प्लस कंपाउंड का भी बताया जाएगा, उसके बाद फिर उसके बाद एक्सरसाइज आपको बोर्ड परीक्षा की पूरा करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड की बुक एक्सीलेंट जो है उससे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके पहले की वीडियो में मैं नाउन क्लास बता चुका हूँ, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे, अब 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 10 क्वेश्चन लिखित में लिख कर देने होंगे, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ लिखित रूप में लिखने के लिए, बाकी जो एक्सीलेंट की बुक में नई किताब में दिया गया प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ, ज़रूर आप देख लीजिए। बाकी इसके पहले की डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और सभी की भी मैं ऑप्शनल भी करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट सर्च करिए क्लास 12th एक्सीलेंट ग्रामर, आपको पूरा मिल जाएगा, बाकी सभी एक्सरसाइज आपको सर्च करने पर मिले जाएगी इसके पहले की। तो चलिए देखते हैं, इसमें ऑप्शनल है, चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है उसको जानेंगे क्यों सही है। 12 सी है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स की, इसके बाद कंपाउंड की मैं एक वीडियो और बना दूंगा, दोनों अपलोड करने के तुरंत बाद मैं प्रीवियस ईयर के वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट द राइट ऑप्शन टू मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सही ऑप्शन को चुनिए। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि ही हर्ड द न्यूज़, वह समाचार सुना, ही वॉज ग्लैड, वह खुश हो गया, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं उसको जान लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक जो है सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है। अगर ज़्यादा डिटेल जानते हो पढ़ना चाहते हो तो रूल्स इसके को रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा आप देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मास्टर वीडियो के नाम से रूल्स एंड एग्जाम्पल सर्च कर लीजिए, पूरा मिल जाएगा आपको, या प्ले लिस्ट में देख लीजिए। तो मैं बता दे रहा हूँ मेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार के होती है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों प्रकार की क्लाज जो है तीन प्रकार के कंजक्शन से जुड़ी होती है। सबॉर्डिनेट यानी कि कुल मिलाकर इतना जानिए प्रिंसिपल क्लाज होती है उसमें कोई कंजक्शन नहीं रहता, और जो कंजक्शन शुरू होती है उसको सबॉर्डिनेट क्लाज कहते हैं। तो यानी कि इसमें कंजक्शन का होना जरूरी है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता था कि दो वाक्य रहते थे तो उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब जो दो दो रहते तो उसमें एक को हटा देते थे, लेकिन इसमें हटाना कुछ नहीं है, जोड़ के कहना है, चाहे दो वर्ब आए या दो सब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने वर्ब आए कंजक्शन का प्रयोग होना जरूरी है। तो कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे कंजक्शन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दैट है, और जो इफ़ या वेदर है, और डब्ल्यू एस टाइप सारे कंजक्शंस हैं जो इनडायरेक्ट में जितने आप पढ़े हैं सब इसी में आते हैं, दैट, इफ़ या वेदर और डब्ल्यू एस टाइप, इनडायरेक्ट के असर्टिव और इंट्रोगेटिव के सारे कंजक्शन इसमें आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ही हर्ड द न्यूज़, ही वॉज ग्लैड, वह समाचार सुना, वह खुश था, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहले हिंदी में कहना जानो, फिर इसके बाद इंग्लिश आप बनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा। देखिए आपका जो है पहला वाक्य है, एज सून एज ही हर्ड द न्यूज़, ज्यों ही वह समाचार सुना, द न्यू ही वॉज ग्लैड, त्यों ही वह खुश था, तो आपका जो है ये सही है, ठीक, क्योंकि एज सून एज जो है बिल्कुल आता है इसमें कंजक्शन, ज्यों ही वह समाचार सुना त्यों ही वह खुश हो गया था, क्योंकि इसमें कंजक्शन भी मिल रहा है, दो सब्जेक्ट दो वर्ब भी मिले, और भी हम ऑप्शन देख ले रहे हैं क्यों नहीं है सही, ताकि आपका कंफर्म हो सके, 100% आप सेटिस्फाइड हो सकें। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ही वॉज ग्लैड गलत है, क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं है। ही वॉज ग्लैड टू हियर द न्यूज़ इसमें भी कोई कंजक्शन नहीं, ये भी गलत है। ही हर्ड द न्यूज़ एंड ही वॉज ग्लैड ये भी गलत है, हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एंड का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कहीं नहीं होता, ये कंपाउंड में होता है। तो इस तरह से 100% सही है आपका पहला वाला सही है,
इस तरह से आप एकदम सही आंसर तक पहुंचे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की बहुत अच्छे से करना है, इसलिए मैं इसको पूरा क्लियर बता रहा हूँ। बाकी तो आपको लिखना है तो अपने हिसाब से, चाहे जिस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे आप, जब से ऐसे भी कर सकते, जब वह समाचार सुना तब वह खुश हो गया, व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ही वाज ग्लैड, तब भी आपका एग्जामिनर सही काट देगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का कंजक्शन आप समय है तो जब से भी बता सकते हो, एज सुन एज से भी समय के लिए लगता है कंजक्शन तो, लेकिन एज सुन एज का प्रयोग तब होना चाहिए जैसे समाचार, जो एक काम हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, तो एज सुन एज का प्रयोग करना चाहिए, तो इसलिए उस हिसाब से ये किया गया है। तो एज सुन एज मैंने ज्यों ही वह समाचार सुना त्यों ही वह खुश हो गया। अब एक बात और बता देना, आपको किसी वाक्य में अगर एट वंस आ जाएगा या इमीडिएटली आ जाएगा, तो एट वंस या इमीडिएटली आ जाएगा तो इन दोनों का अर्थ होता है तुरंत, तो कन्फर्म है कि एज सुन एज से ही आपको बनाया जाएगा, इसमें नहीं आया तब भी बनाया गया है, लेकिन बाय चांस आ गया एट वंस या इमीडिएटली तो इसको हम हटा देते हैं, एज सुन एज से जोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें तुरंत की बात की है कि जो जैसे ही हर्ड द न्यूज़ ही वॉज ग्लैड एट वंस, वह समाचार खुआ वह तुरंत खुश हो गया, वह ही वॉज ग्लैड इमीडिएटली, ही वॉज इमीडिएटली ग्लैड, तो 100% एज सुन आ जाएगा, नहीं तो आप फ्रेंड से भी लगा सकते हो, यहाँ तुरंत वह खुश हो गया इसलिए एज सुन एज का प्रयोग किया गया। तो आई होप पहला समझ में आ गया होगा, 100% आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 100% रूल्स कन्फर्म होंगे, इस तरह से प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। चलिए दूसरा वाक्य हम पढ़ ले रहे हैं, दूसरा वाक्य हमारा है, व्हेन हैव यू पुट माई बुक, वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुम मेरी किताब कहाँ रखे हो, टेल मी, मुझे बताओ। तो इसका जब हम देखिए आंसर जो हमारे पास दिया गया, टेल मी वेयर हैव यू पुट माई बुक, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेयर जब कंजक्शन रहेगा तो उसके तुरंत बाद कभी भी सहायक क्रिया नहीं आती, सब्जेक्ट आता तब आती है, इसलिए पहला गलत, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक ये सही है, ठीक है, मुझे बताओ कि कहाँ तुम मेरी किताब को रखो, क्योंकि वेयर कंजक्शन आपका उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, फिर यहाँ पुट है, वर्ब है, ये रूल है कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगा। ये दूसरा सही है, लेकिन और भी हम कंफर्म कर लेने क्यों और नहीं है सही, टेल मी दैट यू हैव, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो दैट कंजक्शन उसमें नहीं लगेगा, वेयर अगर आया तो वेयर से ही लगेगा, जैसे इनडायरेक्ट का जो रूल नहीं है कि मतलब कि अगर डब्ल्यू एस टाइप रहता है तो उसको हम जोड़ते हैं, तो इनडायरेक्ट किसमें सारे रूल्स का पालन किया जाता है, इनडायरेक्ट में यही आपको बताया गया कि हाँ जैसे आप जो भी कंजक्शन लिखोगे उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखोगे, तो इसलिए यहाँ दैट हो ही नहीं सकता, टेल मी अबाउट इसमें कंजक्शन नहीं, ये तीनों ये नहीं हो सकते। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि पहला और ठीक है सी और डी तीनों हो ही नहीं सकते, इसलिए बी सही है, वैसे भी सही है लेकिन कन्फर्म भी कर दिए क्यों और ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे तीसरा भी वाक्य हम देख ले रहे हैं, आई बॉट ए पेन, मैं एक कलम खरीदा, इट वॉज कास्टली, या क्या थी, कीमती थी, तो देख लेते हैं कैसे कौन सा सही है क्यों सही है। ठीक, मैं एक कलम खरीदा या कीमती थी, देखिए आई बॉट ए कॉस्टली पेन ये बिल्कुल गलत, कंजक्शन ही नहीं है, हैविंग बॉट ये भी गलत है क्योंकि पार्टिसिपल से सिंपल बनता है ना कि इसमें कोई कंजक्शन, आई बॉट ए पेन विच वाज कॉस्टली ये बिल्कुल सही है, मैं एक कलम खरीदा जो कीमती थी, ठीक है, इट के लिए जो इट प्रोनाउन है तो विच लग गया, जो कीमती थी मतलब कलम, तो बिल्कुल विच आने पर इट हट जाएगा, लेकिन हाँ चौथा भी क्यों जान लेते क्यों गलत है, इट बिंग कॉस्टली पेन ही बॉट ये गलत है क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा। ठीक, तो 100% आपका कौन सा सही है, सी वाला सही है। चलिए आपको चौथा बताते हैं, चौथा में कौन सा सही है क्यों सही है, बिना रूल्स पढ़े भी आप सही कर ले जाएंगे, इस तरह से ट्रिक भी है क्योंकि बताने में, उस पर भी ध्यान दीजिए आप, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आ जाएगा, किताब के रूल्स पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए किताब रूल्स वाला बस, बाकी इसको केवल वीडियो ही देखेंगे ध्यान से तो आ जाएगा। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था, दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, जो कि जूरी माने होता है न्यायाधीशों का जो समूह होता है उसको हम जूरी कहते हैं, ठीक है, जैसे गांव में सरपंच होते हैं तो वही, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब हमारे उत्तर प्रदेश का जो है मस्जिद का और मंदिर का विवाद था, तो राम मंदिर जो बन रहा था तो उसमें जो पांच जज मिल के फैसला दिए थे, तो उन पाँचों जजों के समूह को जूरी कहते हैं, जूरी के द्वारा वो भी निर्णय आया था, तो वह निर्दोष था, जूरी का यह वर्डिक्ट माने निर्णय था, ठीक है, फैसला था, तो इसको हम कहें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखेंगे, ही वॉज इनोसेंट दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, ये सही है कि गलत, तो अब देख लेते हैं और भी देख लेते हैं, क्योंकि दैट सही नहीं लग रहा है, इनोसेंट, ठीक, इनोसेंट दैट जैसे अब क्या है, दैट आपका क्या है, ये हुम हुज विच, हु हुम हुज विच दैट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये चार कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो इनके पहले अगर ये एडवर्ब एडजेक्टिव क्लास का नाम मतलब बताते हैं तो इनके पहले नाउन आना जरूरी है, तो दैट किसके लिए लगा, इनोसेंट के लिए तो लगा नहीं है, तो इसलिए ये वाला पहला ऑप्शन आपका गलत है, दैट वाज द वर्डिक्ट, जो
ठीक है। अब यहाँ क्या है कि वह निर्दोष था, ये पूरा आपका जो है इसकी विशेषता बतलाया जा रहा है कि जो जूरी का निर्णय था, जो मतलब वह न्यायाधीश, वह निर्दोष था। तो पहला नहीं हो सकता ही बींग इनोसेंट वाज, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कंजक्शन नहीं है। ही वाज इनोसेंट विच वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। देखते हैं इसमें और भी ऑप्शन। देखिए दूसरा हो नहीं सकता है, पहला भी नहीं हो सकता, बता ही दिया आपको। तीसरा है ही वाज इनोसेंट विच वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, ये भी नहीं हो सकता है, वह निर्दोष था जो न्यायाधीशों के समूहों का जो है क्या अभिमत था, जो मतलब इनोसेंट नहीं था। तो यहाँ डी वाला जो है दैट ही वाज इनोसेंट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, ये 100% सही आंसर है। क्यों है मैं बता दे रहा हूँ रूल्स फीस का, मतलब कि देखिए वाक्य पढ़ेंगे आप तो ही वाज इनोसेंट वाज निर्दोष था, दैट वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, जो न्यायाधीशों का के समूह का यानी कि जो सरपंच का निर्णय था। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ जो निर्णय था दैट जिसके लिए लगा है वही दैट के स्थान पे आएगा। दैट लगा है ही वाज इनोसेंट, वह निर्दोष था, वह निर्दोष था इस पूरे के लिए लगा है, तो दैट। अब इसमें ये पूरा ही वाज इनोसेंट ये नाउन क्लाज बनेगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि दो वाक्य रहेगा, एक वाक्य में कोई बात कही जाएगी, दूसरे वाक्य में उस बात के लिए सब्जेक्ट की जगह दिस लिखा जाएगा, दैट लिखा जाएगा या इट लिखा जाएगा, तो हम इसको नाउन क्लाज से बनाते हैं। तो नाउन क्लाज का रूल क्या है, नाउन क्लाज के पहले दिस दैट दिस दस दैट या सो पांच शब्द नहीं आते, दिस दैट दिस दैट दिस दैट दिस दस होगा, टी एच यू दस माने इस प्रकार, और सो ये पांच चीज नहीं आती नाउन क्लाज से पहले। तो उस नियम से जो है ये दैट, ठीक है, तो और जब ये नहीं आएंगे तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उनके जगह पूरा क्लाज आ जाएगा, और उसके पहले दैट लगा देते हैं हम नाउन क्लाज, दैट लगा के ही नाउन क्लाज बनाते हैं जब सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम लगा देते हैं। देखिए तो अब यहाँ क्या है, दैट के बाद ही वाज इनोसेंट ये पूरा आ जाएगा, तो नीचे वाले वाक्य में आ गया है, ठीक है। वाज के पहले देखिए दैट क्या, ही वाज इनोसेंट आ गया, और ये दैट जो है चला आएगा शुरू में, ठीक है। वाज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, न्यायाधीशों के समूह का निर्णय था, क्या निर्णय था कि वह निर्दोष था, तो कि वह निर्दोष था कि दैट ही वाज इनोसेंट, ये पूरा आपका नाउन क्लाज बन गया। तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नाउन क्लाज जो है सब्जेक्ट वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, ये आपको बताया गया कि नाउन क्लाज पांच तरह से काम करता है। तो वाज आपका वर्ब है, वाज वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ये पूरा नाउन क्लाज, तो इसलिए वाक्य आपका डी वाला 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी तीनों गलत हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनोसेंट के बाद दैट लगा है, इसमें हुच लगा है, ये गलत है, ठीक है। तो क्योंकि हुच की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वस्तु के लिए लगता है हुच, ठीक है, या तो सिलेक्शन के लिए लगता है, हुच कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, और दैट के पहले इनोसेंट लगाना है क्योंकि रिलेटिव क्लाज बनाना, वो एडवर्ब एडजेक्टिव क्लाज बनाना ना, एक विशेषता बतलाना है कि दैट के पहले, और वो भी जो उसके विशेषता बतलाता है वही उसके पहले ना होना था, और उसके पहले उचित आर्टिकल भी लगता है ए एन द, तो ऐसा कुछ भी ए वाले में भी नहीं है, तो यानी कि एडजेक्टिव क्लास से बनाना ही नहीं है और एलिजिबिलिटी भी नहीं रख रहा, तो 100% डी वाला सही है। अगला हम देख लेते हैं, आई हैव फाउंड द बुक, मैं किताब पाया हूँ, आई हैड लॉस्ट इट, मैं इसे खो दिया था, तब इसका क्या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। देखिए पहला दिया है आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट, मैं वह किताब पा गया हूँ जो मैंने खो दिया था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, और भी लेकिन देख लेते हैं क्यों और नहीं होंगे सही। आई लॉस्ट द बुक विच आई फाउंड, मैं वह किताब खो दिया जो मैं पाया था, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, मैं खो दिया जो मैं पाया था, ये गलत है, अर्थ का अनर्थ हो रहा। आई हैव फाउंड द लॉस्ट बुक, सिंपल ये हो ही नहीं सकता। आई हैव फाउंड द बुक व्हेन आई हैड, ये भी गलत है, क्योंकि समय की बात, मैं वह किताब पा गया जब मैं इसे खोया था तब तुरंत थोड़ी दिन पा गया। तो अब इसमें क्या है कि इसको ऐसे कहोगे मैं वह किताब पा गया जो मैंने खो दिया था, विच आई हैड लॉस्ट, तो यहाँ क्या है, जो मैं खोया था, जो मतलब किताब को खोया था, तो विच यहाँ किताब की विशेषता, किताब तो बहुत होती है लेकिन कौन वाली किताब, जो मैं खोया था, ठीक। तो नाउन में हम प्रश्न करें कौन वाला, तो हमको पता चलता है जो उत्तर ना वो एडजेक्टिव क्लाज आता है, तो जैसे कंजक्शन उसका शुरू होता है और जैसे ही रिलेटेड उसका
पूरा क्लास आ जाएगा। आई हैव फाउंड द बुक, मैं वह किताब पे गया। प्रश्न करो कौन वाली किताब, विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खोया था। तो जो मैंने खोया था ये उत्तर आएगा, ना कि जब मैंने खोया था। इसलिए दी वाला 100% नहीं हो सकता, पहले दोनों तो एकदम गलत ही हैं, ठीक है। बी सी एकदम गलत है, डी वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि कौन वाली किताब, जो मैंने खोया था। तो विच से वस्तु के लिए विच लगता है, सिलेक्शन का भाव प्रकट करने के लिए विच लगता है, वस्तु और जानवर दोनों के लिए विच लग जाता है। तो इसलिए इसमें मैं वह किताब पाएगा जो मैंने खोया था, तो मतलब बहुत सी किताबों में से उस किताब की बात की जाए, तो सिलेक्शन का भी भाव है और वस्तु के लिए भी ऐसी बात रहेगी, तो विच ही कंजक्शन लगता है। तो 100% सही ऑप्शन है। और देखिए, जिसके बुक के पहले जो द है उसका अर्थ होता है वह, वही, उस, उसी। मैं उस किताब को पा गया या मैं वह किताब पा गया, ठीक है, तो जो मैंने खोया था। तो पहला आपका एकदम 100% करेक्ट आंसर है। चलिए छवा नंबर का भी देख लेते हैं। लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, पिछली रात को बहुत गर्मी थी। आई कुड नॉट हैव साउंड स्लीप, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका, ठीक है। आई कुड नॉट हैव साउंड स्लीप, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका। तो इसमें देख लेते हैं सभी ऑप्शन और आंसर को पता लगाते हैं। पिछली रात को बहुत गर्मी थी, मैं अच्छी नींद नहीं ले सका, साउंड स्लीप माने होता गुड स्लीप। अब इसमें देखिए, पहला है लास्ट नाइट इट वॉज टू हॉट फॉर मी टू हैव ए साउंड स्लीप, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कहीं कंजक्शन नहीं है, तो इसको आप काट दीजिए। लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट, पिछले रात को बहुत गर्मी थी, सो आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, इसलिए मैं साउंड स्लीप, इसलिए मैं गहरी नींद नहीं ले सका, ठीक। तो पिछली रात को बहुत गर्मी थी, इसीलिए मैं अच्छी नींद नहीं ले सका, ये इसमें तो कंजक्शन है, लेकिन ये ठीक है, और भी ऑप्शन देख ले रहे हैं, इससे बेटर आंसर भी हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक। आगे देखिए, अब अगले पेज में, यहाँ आए पेज, लास्ट नाइट इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट हैव ए साउंड स्लीप, पिछली रात को इतना गर्मी थी कि मैं लंबी नींद नहीं ले सका। लास्ट नाइट इट वॉज वेरी हॉट एंड आई कुड नॉट, तो वेरी हॉट एंड आई एंड तो लगता ही नहीं कॉम्प्लेक्स में, तो ये तो आपका एकदम गलत है, ठीक। अब देखिए, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, और पिछली रात को इतना गर्मी थी कि मैं गहरी नींद नहीं ले सका, ये सही है। सो के साथ दैट कंजक्शन में आता है कि जैसे गर्मी परिणाम बताने के लिए, इफेक्ट, जैसे एक वाक्य में कोई बात कही गई है, दूसरे में उसका परिणाम बताया गया, तो सो दैट, सो और दैट लगता है। तो ग्रामर का ये रूल है कॉम्प्लेक्स के, पहले वाक्य की क्लाज में सो लगता है, और टी डबल ओ आए या वेरी आए तो उसको हटा के हम सो कर देंगे, कि अधिकतर बताने वाला शब्द है सो, और दूसरे क्लास को हम दैट से जोड़ देते हैं, सो दैट इतना की इसका अर्थ होगा, पिछली रात को इतना गर्मी थी कि मैं गहरी नींद नहीं ले सका। तो सी वाला सही है, डी वाला तो हो ही नहीं सकता है, एंड लगता ही नहीं, और इसके पहले बी वाला भी नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि फिर से बता दे रहे हैं क्यों नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है कि आपका जो है बी वाले में आपका दिया है सो, आई सो कभी लगता ही नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ये हमेशा कंपाउंड सेंटेंस में लगता है सो देयर फॉर, तो पहला आपका नहीं हो सकता है, इसमें कंजक्शन ही नहीं, दूसरा हो ही नहीं सकता है, ठीक। आगे आपको अगले पेज पर जो बताया गया है, दो ऑप्शन है किताब में आपके, इसमें जो है एंड हो ही नहीं सकता, तो बचा कि आपका सी, सी 100% सही है, और इसका रूल भी मैं बता दिया कि पहले क्लास में सो लगता है, दूसरे में दैट लगता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये कंजक्शन है, ठीक है। परिणाम बताने के लिए दैट से जोड़ दिया जाता है, पहले में सो लगता, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में भी हमारा यही था कि पिछली रात को बेरी हॉट, बेरी बहुत हॉट माने बहुत गर्मी थी, तो इसमें बेरी हटा के हम सो करते हैं और दैट लगा के अगली क्लास को जोड़ते हैं, ये इसका रूल है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ही इज द मैन, वह आदमी है, ही इज द मैन, वह आदमी है, ही हैज क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो है क्रिमिनल चार्जेज माने अपराध के आरोप है, तो हो जाएगा देखिए, ही इज द मैन, वह वही आदमी है, हु हैज क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, जिसके खिलाफ क्या है अपराध के मामले हैं, आरोप हैं, चार्ज माने आरोप। तो पहला एकदम सही है, क्योंकि वह इज द मैन, वह वही आदमी, हुई ही के लिए जो ही सब्जेक्टिव केस है, तो हु भी सब्जेक्टिव केस ही है कंजक्शन का, तो ठीक है, तो हु के पहले नाउन आ रहा है, उसके पहले आर्टिकल भी आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लास बिल्कुल बन जा रहा है, वह वही आदमी है जिसके खिलाफ अपराध के आरोप है, तो उस आदमी की विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषता में अच्छाई भी बताई जा सकती है और बुराई भी बताई जा सकती है, गुण या दोष दोनों बताया जा सकता है, क्योंकि भाई कोई अच्छे कार्य के लिए फेमस होता है, कोई बुरे कार्यों के लिए, बुरे कार्यों के लिए फेमस को नोटोरियस कहते हैं, अच्छे के लिए फेमस कहते हैं, तो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो
कि अपराधी का आरोप है तो उससे नहीं, मतलब उसकी विशेषता तो है भाई, अपराधी है, सब नहीं हो सकते हैं, वो है। तो पहला सही है, अब बाकी देख लेते हैं ऑप्शन क्यों नहीं सही है उसके भी ध्यान। दैट ही हैज क्रिमिनल चार्जेज अगेंस्ट हिम, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि दैट का सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। और अगला है, ही इज द मैन एंड ही, ये भी बिल्कुल गलत है, एंड तो लगता नहीं कॉम्प्लेक्स में। ही इज़ द मैन अगेंस्ट हुम, वह आदमी है जिसके खिलाफ ही है क्रिमिनल चार्ज, जिसके खिलाफ उसके पास अपराध किया, ये बिल्कुल गलत है, अर्थ का अनर्थ हो रहा। तो 100% पहला आपका सही है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जितने एक्सरसाइज के लिए एक्सेलेंट बुक में दिए गए थे, मैं पूरा करा लिया गया, मैं पूरा करवा दिया हूँ। और आगे आपको जो है, ठीक, आगे आपको जो है इसके तुरंत बाद मैं कंपाउंड सेंटेंस की भी वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, और उसको बना के मैं तुरंत, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाद में जो है मैं इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको जो पेपर में आपके दिए गए हैं 2013 से लेकर 20 तक के, उन सभी को मैं सॉल्व करूँगा। फिर उसके बाद मैं 2022 में जो आया था उसको मैं दो पेपर सॉल्व किया, दो तीन पेपर, बाकी और पेपर भी जल्दी जितना आपके एक्सीलेंट में पीछे दिया गया उसको भी कवर कर दूँगा। फिर उसके बाद मैं पूरा ग्रामर पढ़ाने के बाद अनसाल पेपर पे मेरा प्रयास रहेगा उसको भी सॉल्व कराना, ठीक। तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन किए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि मेरा टारगेट जो है सभी गरीब बच्चों की मदद करना, जिन जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या जो कोचिंग कर भी रहे हैं तो उनको अच्छे ढंग से कोचिंग में भी नहीं समझ में आ रहा है, उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, कोचिंग में भी मतलब कुछ ही चीज़ें मतलब सॉल्व कराया जा रहा है, कुछ छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि समय नहीं होता। तो किसी भी तरह से आप पढ़ रहे हैं तो समझ में आया भी है तो आप इसको भी देख लेंगे, हो सकता है कुछ आपको नए रूल्स मेरे द्वारा मिल जाएँ, कुछ एक्स्ट्रा मेरा भी आइडिया आपको समझ में आ जाए, कुछ भी कोई रूल आपको हेल्प कर दे, कोई जानकारी हो सकता है आपको ना मिल पाई हो। तो इसलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों की मदद करने के लिए जो है, जो मेरा टारगेट है उनकी मदद करना, सभी बच्चों तक मैं पहुँच पाऊँ, उनकी मदद हो सके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज, आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज कंपाउंड सेंटेंस जो एक्सरसाइज इसमें दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है, इंटरमीडिएट की ग्रामर की बुक एक्सेलेंट से दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस इन दोनों की बना चुका हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स का नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज, एडवर्ब क्लाज तीनों का मिला के दिया था, उसको भी करा चुका हूँ, सिंपल का भी करा चुका हूँ, ये कंपाउंड सेंटेंस इसका मैं आज कराने जा रहा हूँ। इसमें सात क्वेश्चन दिए हैं, सातों का करेक्ट आंसर, सातों में से जो है उसको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो एक्सीलेंट में दिया गया है, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव भी है आपके, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये आपको एक्सीलेंट की नई बुक में मिलेगा, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप यहीं से देख लीजिए। और इसके बाद मैं तुरंत आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, फिर उसके बाद अनसॉल्व भी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। ओवरऑल जो भी परीक्षा में आता है सारी प्रैक्टिस मैं इसको करवाऊँगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या करा, पहले तो प्रश्न डायरेक्शन पढ़े, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव सो एज टू हैव कंपाउंड सेंटेंस, सही विकल्प को, अल्टरनेटिव विकल्प को चुनो सो एज ताकि टू हैव कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बन सके। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देखेंगे। दैट एनिमल, वह जानवर, में भी ए फिश, मछली हो सकता है, एनिमल माने प्राणी, जानवर वह जंतु कह सकते हो, वह जानवर मछली हो सकता है, इट मे बी सर्पेंट, वह सांप हो सकता है, इट मस्ट बी वन ऑफ देम, वह उनमें से कोई भी एक हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव दिए हैं ये सारे बोर्ड एग्जाम में भी आ चुके हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हैं बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि वहाँ मैं सॉल्व कराऊंगा तब भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया, यहाँ तो आपको 100% करेक्ट आंसर लिखना है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइए। उसमें लिखने वाले में थोड़ा बहुत आप गलत भी लिख देंगे, कंजक्शन वगैरह सही रहेगा एग्जामिनर नंबर दे देगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं देगा, अगर सही तो सही पूरा पाओगे, नहीं तो एक भी नहीं पाओगे, वहाँ दो में एक भले दे सकता हूँ, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। और साथ के साथ मैं ये भी बताऊँगा क्यों नहीं हो सकता है, ताकि आप कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिना रटे आ जाए।
अब पहले कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम थोड़ा सा आपको एलिजिबिलिटी बता दे रहे हैं, वैसे आप बिल्कुल नहीं जानते तो आप सर्च कर लीजिए वीडियो कंपाउंड सेंटेंस रूल्स एंड एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सीलेंट बुक बाय रमेश सर, तो आपको मिल जाएगा पूरा इसी किताब से, मैं एक्सप्लेन किया हूँ, नहीं तो आप शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ तब भी आपको समझ में आ ही जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में होता क्या है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज उसे कहते हैं जिसमें कोई कंजक्शन नहीं रहता, और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, इसमें चार प्रकार के कंजक्शन होते हैं, जोड़ बताने वाले, विकल्प बताने वाले और परिणाम बताने वाले, विरोध बताने वाले, इन सभी कंजक्शनों से वो जुड़ा रहता है, ठीक। तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के कंजक्शन होते हैं जिनसे जुड़ा रहता, तो मैं शॉर्टकट में सभी कंजक्शन को बता दे रहा हूँ, और इतना जान लीजिए परीक्षा में आप बैठेंगे तो यही कंजक्शन पता, तो यही आपके सूत्र हैं, आप कर ले जाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे। कंजक्शन में जैसे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, आपको बताया गया दैट आता है, इफ यू वेदर या डब्ल्यू एच फैमिली, ये सब आते हैं, और कंपाउंड में इसके अलावा सब आते हैं। कंपाउंड में जैसे आपको शॉर्टकट में जान लीजिए कि इसकी ट्रिक है फैन वॉयज, इसको आप याद कर लीजिए, अगर अपने मन से करना तो इसी में से काम चल जाएगा, ऑप्शनल में आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। फैन मतलब यफ मतलब फार, ए मतलब एंड, यंथ मतलब नाइदर नार, बीक मतलब बट, ओक मतलब आर या अदरवाइज, वाइक मतलब वेट, यस मतलब स्टिल, इन सब में से कोई भी कंजक्शन आएगी, इन फैन वॉयज को आप आराम से याद करें कि फुल फॉर्म में जो कंजक्शन बन रहा है, तो कन्फर्म है कंपाउंड सेंटेंस रहेगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। तो इस तरह भी आप ट्रिक बना सकते हैं अगर आप भूल जाएँ तो। चलिए देखते हैं, दैट एनिमल में बी ए फिश, इट में बी सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। अब इसमें कोई आदमी कह रहा है कि वह कोई मतलब ये प्राणी है, मान लीजिए ये कोई कटिया लेके गया, ठीक है, एंगलर है, मछुआरा है, तो फंसाने गया मछली, तो कोई मछली कभी कभी सांप भी फंस सकता है जाल में, या मछली से किसी प्रकार से भी, कटिया से या जाल में, मान लीजिए कोई फंस गया ऊपर से देख रहा कि ये मछली लग रही है, कोई कह रहा है सांप लग रहा, फिर अपने मन में सोच रहा है दोनों में से तो एक हो ही सकता, इस तरह से संभावना व्यक्त कर रहा है। तो देखिए जोड़ के हम कैसे कहेंगे, वह जानवर मछली हो सकता है, वह सांप हो सकता है, वह उनमें से एक हो सकता है, मान लीजिए हिंदी में कैसे कहोगे, अगर हिंदी में आपको कहना आ गया तो भी आप अंग्रेजी समझ सकते हो, तो आप हिंदी में ऐसे कहोगे वह जानवर, ठीक है, या तो मछली या सांप हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये भी बताया, तो तीनों को आपको एक मतलब वाक्य में बनाना पड़ेगा कंजक्शन के माध्यम से, वह जानवर या तो मछली या सांप हो सकता है, ये हो सकता है हिंदी, लेकिन चलिए देखते हैं अंग्रेजी क्या बनाएं। दैट एनिमल में बी बोथ ए फिश एंड ए सर्पेंट, दोनों तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वन ऑफ देम है, तो पहला ऑप्शन काट दीजिए। दैट एनिमल मस्ट बी नॉट ओनली ए फिश बट ऑल्सो सर, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वह जानवर कह रहे हैं कि ना केवल मछली बल्कि सांप भी हो सकता है, तो दोनों तो बताना ही नहीं है, तो इसलिए भी कट गया। तीसरा, दैट एनिमल इज आइदर ए फिश आर ए सर्पेंट, वह जानवर या तो मछली या सांप है, ये तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, जिसको हम ऑप्शन में ले लेते हैं, हो सकता है चौथा भी, लेकिन पढ़ रहे हैं क्यों वो नहीं हो सकता ताकि 100% आप कंफर्म हो सकें। दैट एनिमल में भी ए फिश सो इट इज ए सर्पेंट, तो ये भी गलत है, वह जानवर मछली हो सकता है इसीलिए यह सांप है, तो ये भी अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो 100% आपका सी वाला सही है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनिमल वाला, कई बार एग्जाम में आया लेकिन ऑप्शनल में पहली बार आएगा, इसलिए आप उसको ध्यान से देखिए। परचेज द बुक डू नॉट डिले, किताब खरीदो देरी मत करो, तो इसको आपको क्या करना है, कंपाउंड बनाना, तो इफ़ यू डू नॉट, आप किताब खरीदो देरी ना करो, तो इसको कंपाउंड में कैसे जोड़ोगे, कंपाउंड में ऐसे जोड़ोगे किताब खरीदो और देरी ना करो, तो पहला क्या है इफ़ यू डू नॉट डिले, तो इफ़ तो लगता ही नहीं कंपाउंड सेंटेंस में, ये जान ही लीजिए, और परचेज द बुक एंड डू नॉट डिले, ये बिल्कुल हो सकता है क्योंकि फैन बॉयज में बताए थे ऐसे एंड आता है इसमें, ठीक है, तो एंड से जोड़ा गया तो ये हो सकता है, देख लेते हैं और भी क्यों नहीं हो सकता है। परचेज द बुक आर डू नॉट डिले, किताब खरीदो नहीं तो देरी ना करो, ये कोई बात नहीं है, ये भी गलत है। परचेज द बुक सो डू नॉट डिले, किताब खरीदो इसीलिए देरी ना करो, तो ये भी नहीं हो सकता, तो गलत है, सेंस ही नहीं निकला, तो बी वाला 100% आपका करेक्ट है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी देख सकें, उनका भी भला हो सके, और लाइक जरूर कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है पढ़ने की, मैं उनके लिए और भी मेहनत करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, तो कुछ मोटिवेशन के लिए आप लोग मेरा सहयोग करें, मुझे मोटिवेट करें लाइक करके शेयर करके। आगे, यू स्टार्ट नाउ, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, तुम्हें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी।
तो इसमें चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। यू मस्ट स्टार्ट नाउ आर यू विल बी लेट। बिल्कुल ये सही लग रहा है, क्योंकि देखिए इसको तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए, स्टार्ट मैंने यात्रा शुरू कर देना, कहीं जाना है तो कह दें कि अभी इस यात्रा को स्टार्ट कर दो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। या स्टार्ट मिस रवाना होना, भी रवाना हो जाना चाहिए, देर हो जाएगी। तो हम यही कहेंगे तुम्हें स्टार्ट अभी कर देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी, मैंने यात्रा अभी शुरू कर देना चाहिए या रवाना होना चाहिए अभी ने। तो पहला आर माने या तो नहीं तो होता है, तो इसलिए पहला सही लग रहा है, और भी ऑप्शन देख लेना क्यों नहीं हो सकते हैं। यू विल बी लेट आर यू मस्ट स्टार्ट ना, तुम्हें देर हो जाएगी नहीं तो तुम अभी स्टार्ट करो, ठीक है, गलत गलत है, अभी स्टार्ट करो नहीं तो देर हो जाएगी, उल्टा कह दिए। दूसरा होने से इफ़ तो लगता ही नहीं कंपाउंड में, ये भी हटा दीजिए। यू मस्ट स्टार्ट नाउ टू ए बाइड, इसमें कंजक्शन ही नहीं, ये भी नहीं है। तो 100% आपका पहला आंसर सही है। चलिए आगे भी देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं, चौथा पाँचवा सात हैं, सातों हम देखेंगे। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, पिछले साल मैं आगरा गया, आई सॉ द ताज देयर, मैं वहाँ ताजमहल देखा। तो इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, सॉरी कंपाउंड बनाना है। तो लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा टू सी, इसमें तो कोई कंजक्शन ही नहीं, इसको काट दीजिए। लास्ट ईयर आई सॉ द ताज इन आगरा, इसमें भी कंजक्शन नहीं, इसको भी काट दीजिए। लास्ट ईयर गोइंग टू आगरा आई सॉ द ताज, इसमें भी कंजक्शन नहीं, ये भी काट दीजिए। तो बचा क्या है, डी वाला, आप बिना जो है कंजक्शन जाने भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई बिना कंजक्शन के तो वाक्य हो ही नहीं सकता, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सिंपल हो सकता है। तो तीनों कट गए, हाँ चौथा सही है। कैसे सही है उसका अर्थ भी मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, पिछले साल मैं आगरा गया था, वेयर आई सॉ द ताज, जहाँ पर मैं ताजमहल देखा। तो देखिए स्थान की बात रह गई तो हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, और वेयर के पहले वो नाउन आ जाता है जिसके लिए वेयर लगता है। तो आराम से आपका वेयर सही है, पिछले साल मैं आगरा गया था जहाँ मैंने ताजमहल देखा। अब एक बात ध्यान दीजिए, वेयर आ गया तो वेयर के आने से देर हट जाता है, ठीक है, वेयर आने से हीयर और देयर हट जाता है, ठीक, क्योंकि वेयर हीयर और देयर का बाप है, इस तरह से आप फनी स्टाइल में इसको समझ सकते हैं। स्थान के लिए इधर देयर हीयर का काम किया है, जोड़ने पर देर वहाँ और यहाँ नहीं आएगा। अगला है ही इज रिच, वह अमीर है, ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन बिताता है। अब देखिए वह अमीर है और साधारण जीवन बिताता है, तो इसको आपको कंपाउंड बनाना था। ही इज रिच बट ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, वह अमीर है वह साधारण जीवन बिताता है। तो आप इसमें क्या प्रकट हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे कहोगे हिंदी में, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह साधारण जीवन बिताता, ऐसे आप जोड़ोगे। तो ये तो देखिए ही इज रिच बट ही, वह अमीर है लेकिन वह साधारण जीवन बिताता है। तो मान लीजिए ये भी लेकिन से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसा हम अक्सर नहीं कहते हैं, बाकी बट है तो कंजक्शन बट कंपाउंड का है, लेकिन ये उतना बेटर नहीं है, तो इसलिए हम और ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, ही लीड्स ए सिंपल, फिर भी वह साधारण जीवन बिताता, बिल्कुल एकदम 100% सही लग रहा है, सही है भी, क्योंकि हिंदी में भी हम वही जोड़ रहे हैं, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह। तो बात के विरोध के लिए जो है, सॉरी गलत हो जाएगा, या आपका आल्दो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में आल्दो नहीं आता है, फाइन बॉयज हम बताए थे ट्रिक ना, ठीक है, और आल्दो ये विरोध बताने के लिए कॉम्प्लेक्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स होता तो ये सही था, ये भी इसलिए बी भी नहीं हो सकता है, ठीक। आप देखिए तो जब भी नहीं हो सकता है तो बी से बेटर ऑप्शन आपके पास ए है, तो बता दिए, तो बट तो हो ही सकता है, हम कन्फ्यूजन में गए थे कि यद्यपि से कह दिए थे, तो इसलिए सॉरी फॉर दैट, तो यद्यपि तो कॉम्प्लेक्स में होगा। तो पहला ही ऑप्शन हम दोनों को, क्योंकि तर्क वितर्क करेंगे ना उससे ऑप्शन सही मिलेगा, तो पहला तो बट से तो विरोध बता ही रहा तो सही है, ठीक है, क्योंकि आल तो हो ही नहीं सकता, और भी ऑप्शन हम कन्फर्म कर दे रहे हैं क्यों नहीं हो सकते। इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही, इसमें कंजक्शन ही नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ही इज रिच, वह अमीर है, सो ही लीड्स से सिंपल है, इसीलिए वह साधारण जीवन बिताता है। तो देखिए सो भी तो आपके कंपाउंड के कंजक्शन है, तो पहला बट और सो में सही एक हो सकता है। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो सो तो भाई देखिए बात का ही मतलब मजाक उड़ा दिया, वह अमीर है इसीलिए साधारण जीवन बिताता है, ये तो ताना मार दिया गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं, अमीर आदमी साधारण जीवन बिताता नहीं, अक्सर वो लग्जरियस लाइफ बिताता, आराम से जीवन बिताता। तो पहला सही है, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, वह अमीर है लेकिन वह साधारण जीवन बिताता, मतलब गरीब है अमीर है लेकिन वह साधारण जीवन बिताता है, तो लेकिन मतलब बात का विरोध हो गया, तो विरोधी बात है, तो विरोधी बात में हम सो नहीं लगाएंगे, सो तो परिणाम में के लिए लगाते हैं, ऐसा कह रहे यहाँ होता वह गरीब है इसीलिए वह साधारण जीवन, तब तो सही हो जाता सो, ये अमीर के नाते नहीं होगा। तो पहला आपका 100% फाइव में ये सही है। इस तरह से कंजक्शन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है, अर्थ के हिसाब से देखेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कभी आप हिंदी निकाल सकते हो, तो इसलिए आप फाइन बॉयज जरूर ट्रिक याद कर लीजिए, फाइन बॉयज, ठीक है, फाइन बॉयज में देखिए बी कंजक्शन आ गया, आ जा रहा है ना, कन्फर्म है वो।
अगला है ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिता के पास आया, ही वेलकम्ड हिम वार्मली, वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या जोड़ते हैं, ही केम टू माई फादर बिकॉज ही वेलकम्ड हिम, वह मेरे पिताजी के पास आया क्योंकि वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो बिकॉज तो कंपाउंड सेंटेंस में लगता ही नहीं इसलिए इसको काट दीजिए। ही केम टू माई फादर हु वेलकम्ड हिम वार्मली, ठीक है, वह मेरे पिता के पास आया जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो देखिए हु जो है फाइन बॉयज में भले नहीं है लेकिन उसका एक अपवाद भी है चारों का अक्षर के अलावा, कि रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके कंटिन्यूटी सेंस में, अब एक्सीलेंट में देखेंगे तो रूल टू में दिया गया चारों कंजंक्शन के बाद, कि कंटिन्यूटी सेंस में हम हु विच वेयर इनका प्रयोग करके भी बना सकते हैं, जब जो है हु विच वेयर विशेषता बतलाने के लिए नहीं लगेंगे, एडजेक्टिव क्लाज नहीं बनाएंगे तो हम उसको हम कंपाउंड सेंटेंस मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ विशेषता नहीं बतलाया जाएगा। अब वह मेरे पिताजी के पास है जो उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, तो हु किसके लिए लगा है, ही के लिए लगा, तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, लेकिन और भी हम देख लेना है क्यों नहीं हो सकते हैं, ताकि आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिले, पूरा कंफर्म होगा, धैर्य रखिए, आगे भी पढ़ लेते हैं। देखिए अगला है आपका ही केम टू माई फादर फॉर ए वार्म वेलकम, तो ये तो बिल्कुल गलत ही है क्योंकि इसमें कंजक्शन नहीं है, फॉर के बाद तो सब्जेक्ट नहीं है। ही केम टू माई फादर सो ही वेलकम हिम, वह मेरे पिताजी के पास इसलिए वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, ये बात गलत है, पिताजी के पास आए इसलिए स्वागत किया, बहुत लोग आते रहते हैं तो इस थोड़ी ना। अब जो है हु आपका सही है, बी वाला सही है, कैसे सही है मैं थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, 100% आप कन्फर्म हो जाए, रूल भी जान लीजिए। वह मेरे पिताजी के पास आया, देखिए व्यक्ति के लिए हमेशा हु लगता है, ठीक, व्यक्ति के लिए क्या लगता है, हु लगता है। अब इसमें सो तो लगता ना, सो तब लगता है पहले में कोई कारण बताया गया, परिणाम बताया गया, तब सो लगता है, तो इसलिए डी नहीं हो सकता। अब दूसरी बात जान लीजिए कि ये हु जो है हु वेलकम हिम वार, ये आपका सीसी है यानी कोऑर्डिनेट क्लाज है, ही केम टू माय फादर प्रिंसिपल क्लाज है, जब प्रिंसिपल क्लाज के साथ कोऑर्डिनेट क्लाज आता है तो हमेशा वो कंपाउंड सेंटेंस ही बनता है। कैसे जाना कोऑर्डिनेट क्लाज है, इसको एडजेक्टिव क्लाज क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो कॉम्प्लेक्स बन जाता, उसको जान लीजिए। वह मेरे पिताजी के पास आया जो उसका गर्मजोशी, जो मतलब पिताजी स्वागत किए। अब हमेशा हम आपको ये भी बताए थे नाउन में प्रश्न करिए कौन वाला, ठीक, तो कौन वाला अगर प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा एडजेक्टिव क्लाज होगा, ठीक, लेकिन कौन वाला प्रश्न करने से किस तरह से उत्तर आना चाहिए, सिलेक्शन का भाव प्रकट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो उनमें से कौन वाला, तब इस तरह से जो उत्तर है वो एडजेक्टिव क्लाज होता है। अगर इस तरह से नहीं है तो एडजेक्टिव क्लाज नहीं होता, भले हु से जुड़ा है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाज। अब इसमें प्रश्न करूँगा मेरे पिताजी, कौन वाले पिताजी, अब कौन वाले पिताजी, पिताजी तो एक ही होते हैं, तो फादर तो एक ही है, फादर में तो ऐसा लगा नहीं है कि मुंह बोले पिताजी कोई और हैं सौतेले, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पिताजी एक ही, तो एक इसमें सिलेक्शन नहीं हम कर सकते हैं, तो इसलिए मतलब कि हम इसको हम एडजेक्टिव क्लाज इसलिए नहीं मानते। तो जब एक ही वजह किसी का नाम हो या फादर हो मदर हो उसमें यस नहीं लगा, ठीक है, तो एक ही रहते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव क्लाज नहीं बनाते हैं, उसके बाद हु लगाने से बनता नहीं, ठीक। वैसे इसमें आपको एक्सीलेंट में देखेंगे तो फादर के बाद ऐसे वाक्य रहेंगे तो कामा लगा देंगे, कोष्ठक में एंड ही लिख देंगे, ठीक है, आई बराबर एंड ही, क्यों, क्योंकि ऐसे लिख देना चाहिए, उससे कन्फर्म हो जाता है एंड ही, मतलब वह मेरे पिताजी पास और वह उसका गर्मजोशी से स्वागत किए, एंड लगा एंड ही कोष्ठक में लिख दें, एंड ही का मतलब हु, यहाँ हु लिख दिया गया कोष्ठक में एंड ही नहीं दिखा गया, अब तो उससे नहीं मतलब, आपको सबसे बेटर आंसर यही है कोष्ठक में लिखें या ना लिखें आपको मान लेना चाहिए, अपने मन से लिखें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ कामा भी लगा देना चाहिए थे, कामा लगना चाहिए वैसे, अगर कोऑर्डिनेट क्लाज है मतलब डब्ल्यू एच हु है हु विच वेयर, अगर ये विशेषता नहीं बताने के लिए हुए हैं कि कोऑर्डिनेट क्लाज बनाने के लिए, इनके पहले कामा लग जाता है, तो यहाँ कामा लगा रहेगा तब भी जानिए वो विशेषता नहीं बता रहे, कामा भी नहीं लगाए हैं तो उससे नहीं मतलब है आप, ठीक है, इतना कामा या कोष्ठक वाले से मैं मत जाइए, बाकी बेटर आंसर है, तो इसलिए सही माना जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ये सब इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, ठीक, तो इसलिए आपका बी सही है, ठीक। तो जो उसका गर्मजोशी स्वागत किया, जो मतलब और वह पिताजी के पास आया, वह मेरे पिताजी के पास आया और वह उसका गर्मजोशी, एंड ही से भी तो हम कर सकते हैं, तो एंड ही हटाने के लिए हु लग जाता है, तो इसलिए आपका बी सही आंसर है। आई होप समझ में आ गया, इतना एक्सप्लेन इसलिए करें, समय भले लगे लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाए। अगला है देखिए, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ नहीं गया, माय फादर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मेरे पिताजी लखनऊ नहीं गए, ठीक। अब इसमें देखिए कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, नाइदर आई नॉर माय फादर वेंट टू लखनऊ, ना तो मैं ना तो मेरे पिताजी लखनऊ गए, मैं नहीं लखनऊ गया, मेरे पिताजी लखनऊ गए नहीं गए, तो बिल्कुल सही लग रहा है पहला,
ठीक है, नाइदर नर लगता है, दोनों निगेटिव वाक्य है, बिल्कुल सही है। ना तो मैं, लेकिन फिर भी नाइदर नर तो लगा सही तो है, लेकिन हम इसमें कुछ और भी रूल्स हैं, इसलिए हम इसको 100% अभी सही नहीं कह सकते। ठीक है, 100% सही हम नहीं कह सकते, इसको ऑप्शन में हम रखेंगे, अभी और भी पढ़ेंगे तब हम निष्कर्ष निकालेंगे, ताकि आपको एकदम कन्फर्म हो जाए। दूसरा देखते हैं, नाइदर आई वेंट टू लखनऊ नार डिड माई ब्रदर, ना तो मैं लखनऊ गया ना ही मेरा भाई। ठीक, तो अब देखिए, नाइदर आई तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइदर नार इसमें भी है, तो इसलिए हम और पढ़ेंगे, 100% आपको संतुष्ट करें, ताकि माई ब्रदर एंड आई डिड नॉट गो टू लखनऊ, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि माई ब्रदर एंड आई को जोड़ दिया गया, तो ये तो सिंपल में भी दो शब्द जोड़े जा सकते हैं। आई डिड नॉट गो टू लखनऊ एंड माई ब्रदर डिड नॉट गो टू लखनऊ, मैं नहीं लखनऊ गया, मेरा भाई और मेरा भाई लखनऊ नहीं गया। ठीक, तो अब इसमें से देखना पड़ेगा, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर वेंट टू लखनऊ, तो कुल मिला के इसमें सही ऑप्शन पहला ही है, क्योंकि ये भाई बताए थे सही है, लेकिन और भी हम देखेंगे कि तभी कन्फर्म करेंगे। ठीक, देखिए क्यों सही है उसका भी कारण जान लीजिए, कि नाइदर आई वेंट टू लखनऊ नॉर डिड माई, नाइदर नॉर सब में है तो नाइदर नॉर से तो बनेगी, तो क्लियर है, लेकिन नाइदर के बाद देखिए, इसमें नाइदर के बाद सब्जेक्ट आई है और इसमें नॉर के बाद सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ साई क्रिया डिड है, तो ये भी ग्रामर का रूल्स होता है नाइदर नार में, कि नाइदर के बाद अगर सब्जेक्ट आएगा तो नार के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए, नाइदर के बाद अगर वर्ब आएगा तो नार के बाद भी वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ नाइदर के बाद वर्ब आया नहीं, इसीलिए ये आपका बी सही नहीं है। ये अंदर का रूल बता रहा हूँ आपको, एक्सेलेंट में ये सब रूल नहीं दिए गए हैं, कंपटीशनल बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, तो क्योंकि मैं कंपटीशन निकाला हूँ, ठीक है, आयोग से मैं चयनित हूँ इंटर कॉलेज में, जैसा आपको पता है, तो मैं इतनी सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे पूरा नॉलेज है, मैं उस हिसाब से आपको तभी संतुष्ट कर पा रहा हूँ। ठीक, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एसएससी लेवल की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसी जानकारियाँ मिल जाएंगी। देखिए, नाइदर आई वेंट टू लखनऊ नार, ये तो इसलिए नहीं हो सकता बता दिए, माई ब्रदर एंड आई डिड नॉट ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये शब्द जोड़े गए हैं, आई डिड नॉट गो टू लखनऊ एंड माई ब्रदर डिड नॉट, ये कोई बात नहीं, मैं लखनऊ नहीं गया और मेरा भाई लखनऊ नहीं गया, ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि दोनों को जोड़ के दोनों को निगेटिव रहता है, तो नाइदर नार से लगता है, ना तो मैं लखनऊ गया ना तो मेरे, ठीक है, मेरा भाई गया। ठीक, तो बेटर आंसर डी से भी बेटर आंसर आपका ये है, कि दोनों निगेटिव है तो ये ठीक है, तो इस तरह से नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, कि जोड़कर बताने वाली बात इसमें नहीं है, जोड़कर हम केवल सिंपल बता सकते हैं इस तरह से, तो पहला ऑप्शन सही है आपका। देखिए, नाइदर के बाद भी सब्जेक्ट आई है, नार के बाद भी, नार के बाद भी देखिए सब्जेक्ट माई ब्रदर है, नाइदर आई नार माई ब्रदर, तो नाइदर नार से सिंपल सेंटेंस जोड़ा नहीं जाता है, दो सब्जेक्ट जोड़े नहीं जा सकते, तो इसलिए पहला ऑप्शन सही है, तो इसको कंपाउंड ही माना जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके। आगे आपको जो है इसकी मैं एक सिंपल कॉम और सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों के ऑब्जेक्टिव की मैं एक मास्टर वीडियो भी बना दूंगा आप, ताकि बाद में रिवीजन कर सकें। बाकी आपको अब कल से इसके बाद की वीडियो से आपको सिंथेसिस के सभी जो है बोर्ड एग्जाम की एक्सरसाइज फटाफट आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए।